Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just three things: liking the video, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, let's move ahead in our course. और साइंस और टेक के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में था। तो आज डिस्कस करेंगे हम वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट से। तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? WHO ने। तो आपको याद रखना है कि किसने रिलीज़ करी है? WHO ने। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? WHO ने। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक पैरासाइट है, ठीक है। मलेरिया किससे होता है? ये पैरासाइट से होता है। बेसिकली ट्रांसमिट होता है पीपल में जब काटता है ये फीमेल मॉस्किटो, उससे होता है। फीमेल मॉस्किटो को बोलते क्या हैं? एनोफील्स। बेसिकली ये फीमेल एनोफील्स मॉस्किटो होता है जो जब काटता है तो उससे आपका मलेरिया हो जाता है, यही आपका जो वायरस है उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अगर की फाइंडिंग्स देखें इस रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया है, इसमें रिपोर्ट में बोला गया कि मलेरिया के जो इंसिडेंस केसेज हैं वो रिड्यूस हुए हैं, है ना। पहले 2000 में 80 थे पर 100 पर 1000 पॉपुलेशन 80 हुआ करते थे, अभी वो 57 हो गए ग्लोबली। अफ्रीका रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, उसमें 94% ऑफ द केसेस हमको मिले हैं। इंडिया इज़ द ओनली हाई एंडेमिक कंट्री, है ना, जहाँ पे डिक्लाइन हमको मिला है मलेरिया के केसेस में एज़ कम्पेयर टू 2018। तो इंडिया में आपको याद रखना है कि मलेरिया के केसेस जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, है ना। स्टेप क्या लिए गए हैं इसको इरेडिकेट करने के लिए? तो WHO ने इनिशिएट किया है हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव, ठीक है, जिसमें 11 हाई मलेरिया बर्डन जो कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, 11 जो हाई बर्डन यू नो कंट्री मलेरिया कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मलेरिया होता है, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, और उसको उसमें मलेरिया को डिक्रीज़ करने के लिए ये इनिशिएटिव है, हाई बर्डन हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव। तो अगर ऐसे आ जाए कि हाई बर्डन हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे? मलेरिया के रिडक्शन से, है ना, मलेरिया के एलिमिनेशन से ये चीज़ रिलेटेड है, हाई बर्डन हाई इंपैक्ट। आपको याद रखना है हाई बर्डन हाई इंपैक्ट किससे रिलेटेड है? मलेरिया से। उसके बाद ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016 से 30, ये क्या है? इसमें हम ये करेंगे, इसमें हम जो मलेरिया केसेस हैं उसको हम 40% डिक्रीज़ करेंगे बाय 2050, 75% डिक्रीज़ करेंगे बाय 2025, 90% से डिक्रीज़ करेंगे बाय 2030, है ना, और 2015 की बेसलाइन के कंपैरिजन में। ये परसेंटेज डिक्रीज जो है वो 2015 की बेसलाइन से कंपेयर होगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के बारे में बात करते हैं। तो NCDs क्या होते हैं हमारे, है ना? तो NCDs बेसिकली वैसे डिसीज होते हैं जो एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट नहीं होते हैं। जैसे कोरोना वायरस तो ट्रांसमिट हो जाता है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट हो जाता है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल नहीं है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजन में क्या क्या आते हैं? जैसे मान लो हार्ट अटैक हो गया, है ना, हार्ट अटैक हो गया, तो ये बीमारी किसी को पास थोड़ी होती है। अगर किसी को हार्ट पेशेंट है कोई, तो आप उसके बगल में उसको छू लोगे तो आप थोड़ी हार्ट पेशेंट बन जाओगे। ना ही ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है चीज़ें वो भी नहीं होती। डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, है ना, ये कम्युनिकेट थोड़ी होती है। तो ये सब ऐसी डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। तो जो हमारी ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स है जो WHO रिलीज़ करता है ना, उसने ये एस्टिमेट किया है कि जितने भी NCDs हैं जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं, दे अकाउंट फॉर 75% ऑफ द डेथ ग्लोबली इन 2019। तो जो हेल्थ डिसीजेज़ की वजह से डेथ्स हुई हैं 2019 में, उसमें 74% किसकी वजह से हुई हैं? अपनी NCDs की वजह से, ठीक है। और आपको इसमें ये भी याद रखना है कि ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स कौन रिलीज़ करता है? ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स रिलीज़ करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो NCDs आर मेडिकल कंडीशंस और डिजीज दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स। इसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स का कोई रोल नहीं होता है ना। दे आर क्रॉनिक डिजीजेज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड स्लो प्रोग्रेशन, है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन स्लो प्रोग्रेशन, दे आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, ये सब याद रखना है। मेन टाइप्स ऑफ NCDs क्या हैं? जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज सच एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, अस्थमा, ये सब क्या है? ये सब ट्रांसफर थोड़ी होती है। न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो गई, जैसे अल्जाइमर हो गई, है ना, डर्माटाइटिस हो गई, तो ये सब डिसीजेज ट्रांसफर नहीं होती है ना। तो ये सब किस में आ गई? NCDs में। अब इसमें इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि लाइफ स्पैन जो है वो बड़ा है, पहले 67 था, अभी 73 ईयर्स ग्लोबल एवरेज हो गया है लाइफ स्पैन का।
WHO ने एक और चीज़ डेवलप करी है, क्या? ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCDs 13 से 20, जिसमें ग्लोबल टारगेट्स दिए गए हैं NCDs को मतलब रिड्यूस करने में। और इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसने NCD के स्पेसिफिक टारगेट्स बनाए हैं कि हम NCDs को 25% से डिक्रीज करेंगे बाय 2025, है ना। तो इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने NCD स्पेसिफिक टारगेट्स बनाए हैं, जिसमें ये टारगेट है कि हम 25% को रिड्यूस करेंगे बाय 2025, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है क्या क्या एफर्ट्स हैं। एक तो ग्लोबल एक्शन प्लान है, और दूसरा इंडिया ने अपना क्या लिया है, अपने टारगेट्स में रखा है 25% डिक्रीज करेंगे बाय 2025। उसके बाद लेड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन की बात करते हैं। तो लेड क्या है? लेड एक क्यूमुलेटिव टॉक्सिकेंट है। क्यूमुलेटिव मतलब ओवर द ईयर्स ये बॉडी में बढ़ता चला जाता है ना, क्यूमुलेट होता जाता है। ऐसा नहीं है कि आया आप में और फिर चला गया, क्यूमुलेट होता जाता है ना। तो बेसिकली ये आता पानी से, है ना, पानी वानी में जब इंडस्ट्रीज जो है ये अपना लेड अनट्रीटेड वेस्ट पानी में डाल देती हैं, फिर हम वही पानी पीते हैं और वहाँ से लेड आ जाता है, लेड पॉइजनिंग वहीं से होती है। तो BIS ने ये बोला है कि BIS का जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें बोला गया कि जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जो लेड है वो 50 ppb जो है पार्ट पर बिलियन से कम होना चाहिए। और यही सेम चीज़ WHO ने क्या बोली है, WHO ने ये लिमिट 5 ppb डिसाइड करी हुई है, ठीक है। तो WHO के हिसाब से 5 से कम होना चाहिए, और इंडिया का जो BIS है उसके हिसाब से 50 से कम होना चाहिए। ये हो गया लेड पॉइजनिंग की बात। अब उसके बाद आते हैं हम काला अजहर या विसरल लेशमियानेसिस पे, ठीक है। तो काला अजहर क्या है? बेसिकली ट्रॉपिकल डिसीज़ है, मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें इरेगुलर फीवर होता है, मतलब कभी आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, वेट लॉस होता है, अनीमिया हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है लिवर की, स्प्लीन की, है ना। तो ये सब होता है काला अजहर में। अब ये होता किससे है? ये होता है प्रोटोजोआ लेशमेनिया पैरासाइट से, ठीक है। ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में कैसे, जो फीमेल सैंड फ्लाइज हैं वो जब काटती हैं ह्यूमंस को, तो वो ये जो ये वायरस है उसको ट्रांसमिट कर देती हैं, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया में जो केसेस आते हैं दे अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल केसेस, ठीक है। तो 2/3 ऑफ द ग्लोबल केसेस जो हैं वो इंडिया में आते हैं। सबसे ज़्यादा एंडेमिक कौन से हैं? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे काला अजहर के केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो आपको याद रखना है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज़ की बात करते हैं। तो ये नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ क्या होती हैं? जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जिसको जो कंपनीज हैं वो नेगलेक्ट कर देती हैं, मतलब ये ऐसी डिसीज़ होती हैं जो पुअर लोगों को होती हैं। अब भाई कोई पुअर को डिसीज़ हो रही है तो वो इतना दवाई पे खर्चा नहीं करेगा ना। तो दवाई पे जब वो खर्चा नहीं करता तो कंपनीज को प्रॉफिट नहीं होता, तो कंपनीज इनके लिए दवाइयाँ बनाती ही नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब दवाइयाँ बना नहीं रही, मतलब इसको नेगलेक्ट कर दिया है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे डेंगू हो गया, रेबीज़ हो गया, लेप्रोसी हो गया, लिम्फैटिक फिलेरियासिस हो गया, ट्रकोमा हो गया, है ना, लेशमियानेसिस हो गया, ये सब क्या है? नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज हैं, ठीक है। दे आर कॉज नेगलेक्टेड बिकॉज दे affect the world's poor and historically have not much received much attention as other diseases, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं antimicrobial resistance की। antimicrobial resistance क्या होता है? जब आपको basically आपका जो microbes हैं, जो bacteria हैं, वो drug के resistant हो जाते हैं ना। तो मान लो आपको आपको कुछ हो गया, आपको कोई disease हो गई है ना किसी bacteria की वजह से, तो उसके लिए कोई drug देता है doctor, है ना, तो वो ड्रग काम ही नहीं कर रही है, मतलब बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। जनरली ये तब होता है जब बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप दवाई ले लेते हो अपने मन से, है ना, या ज़्यादा दवाई ले लेते हो, तो क्या होती है, बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, इफेक्ट होना ही बंद हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की? वेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, पैरासाइट्स चेंज वेन दे आर एक्सपोज टू अ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स, एंटी वायरल्स, एंटी मलेरियल्स एंड एंटी मेलेमिस्टिक्स, सॉरी एंथेलमिनेटिक्स, ठीक है। बेसिकली जो भी ड्रग होती है इनको ट्रीट करने के लिए, जब वो इंट्रोड्यूस होती है बॉडी में तो बैक्टीरिया अपना फॉर्म चेंज कर लेता है ना। तो आपने ड्रग बनाई थी किसी और फॉर्म के लिए, बट अब इसने फॉर्म चेंज कर लिया, तो अब इफेक्ट ही नहीं होगा ना कुछ, इस ड्रग का इस पर कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस, सॉरी। अब एक इनिशिएटिव है जो FAO और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड WHO इन्होंने मिलकर वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप बनाया है, किस पे? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे। तो आपको याद रखना है कि जो वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, वो किसने बनाया है? FAO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड WHO ने मिलकर बनाया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये एलिवेट करेगा जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल्स पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी इनिशिएटिव्स क्या हैं इसको एड्रेस करने के लिए, और क्या क्या WHO ने इनिशिएटिव्स दिए हैं।
तो इसको एड्रेस करने के लिए यू नो WHO ने ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम लगाया है, जिसको हम बोलते हैं ग्लास। ये क्या करता है, ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज अप्रोच यू नो बताता है जो किस में यूज़ हो सकता है, कलेक्शन में, एनालिसिस में, डेटा शेयरिंग में, इससे रिलेटेड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो डेटा है उसको कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में उसमें ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। दूसरा है अवेयर टूल। अवेयर टूल क्या है, ये बेसिकली गाइड करेगा पॉलिसी मेकर्स को और हेल्थ वर्कर्स को, ताकि ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सेफली यूज़ कर पाएँ, मतलब ज़्यादा यूज़ ना करें, है ना, जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें। तो ये फुल फॉर्म किसका है, ए इज़ फॉर एक्सेस, है ना, डब्ल्यू इज़ फॉर वॉच एंड आर ई इज़ फॉर रिजर्व। तो एक्सेस मतलब सारी यू नो एंटीबायोटिक्स का आपको एक्सेस होना चाहिए, जो भी कॉमन और सीरियस इन्फेक्शन से रिलेटेड एंटीबायोटिक्स हैं वो ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद वॉच मतलब एंटीबायोटिक्स अवेलेबल एट ऑल टाइम्स शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इन हेल्थ केयर सिस्टम्स। और रिजर्व क्या है, एंटीबायोटिक्स शुड बी स्पेरिंगली यूज और प्रिजर्व ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब एकदम ही अब जब ठीक नहीं हो रहा है ना तभी आप दवाई यूज़ करो, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी खांसी हो रही है चलेगा दवाई लेने, है ना, वैसे मत नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बता रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं वन हेल्थ अप्रोच की। तो वन हेल्थ अप्रोच बेसिकली क्या है, वन हेल्थ मतलब एनिमल्स की हेल्थ, है ना, एनिमल्स की हेल्थ और ह्यूमंस की हेल्थ एज अ कम्बाइंड हम देखें तो उसको हम बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रमोट करेंगे ताकि जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना, इंक्लूडिंग ऑप्टिमल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स टू बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, तो मतलब ये जो स्प्रेड है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का उसको कम करने के लिए हम बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएंगे और लाइक और ये भी बताएंगे कि भाई कौन से एंटीबायोटिक्स का ऑप्टिमल यूज़ होना चाहिए दोनों ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक रेड लाइन कैंपेन आई है, किस पे, एंटीबायोटिक पैकेजिंग में आई है, टू कर्व देयर ओवर काउंटर सेल, है ना, तो जो फर्जी की सेल होने लगती है जो इसकी फर्जी की सेल होती है एंटीबायोटिक्स पैकेजिंग की, उसको रिमूव करने के लिए ये रेड लाइन कैंपेन आई है। उसके बाद एक आया था चीज़ प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक क्या होता है, तो एक होती है ना कन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी, उसमें क्या होता है ब्लड से, अभी हमने पढ़ा विदाशत पीछे, ब्लड से हम प्लाज्मा निकालते हैं ना, जो कोविड के पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं उसके उनके ब्लड सैंपल से हम प्लाज्मा निकाल देते हैं, इसमें फिर ये प्लाज्मा को हम दूसरे बेसिकली यू नो पेशेंट में जो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है उसमें क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ ही होती हैं जो रिकवर कर गए हैं उनकी एंटीबॉडीज़ ही होती हैं जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती हैं। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्लाज्मा बैंक सेटअप करने का बोला है, उन्होंने बेसिकली लॉन्च कर दिया है COVID-19 पेशेंट्स के लिए। उसमें क्या होगा, ये बेसिकली टाइप ब्लड बैंक टाइप का होगा जिसमें हम प्लाज्मा को स्टोर करेंगे, लोगों के प्लाज्मा को हम स्टोर करेंगे जो रिकवर हो गए COVID-19 से, ताकि उसको हम यूज़ कर सकें जो सफ़र कर रहे हैं, जो COVID-19 से सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को सही करने में हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद एक आता है कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जो मैंने बताया था कि इसमें एंटीबायोटिक्स डेवलप किए जाते हैं जो पेशेंट रिकवर हो गए कोरोना वायरस से उनका प्लाज्मा यूज़ करके। द होल और द प्लाज्मा फॉर सच पीपल इज टेकिंग, प्लाज्मा इज देन इंजेक्टेड इन क्रिटिकली इल पेशेंट सो दैट एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर एंड बूस्ट देयर फाइट अगेंस्ट द वायरस। वही है, प्लाज्मा आप इंजेक्ट करते हो तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं और फिर इम्यून सिस्टम को हेल्प मिलता है ना। आगे बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल केमिकल ट्राइक्लोसिन की बात करते हैं। क्या है ये एंटी माइक्रोबियल ट्राइक्लोसिन, ये बेसिकली एक ये इसको हम यूज़ करते हैं एज अ केमिकल, एंटी माइक्रोबियल केमिकल, ताकि हम शेल लाइफ इंक्रीज़ कर पाएँ कितनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये बेसिकली पर्सनल केयर क्रीम वगैरह में यूज़ होता है ना, हैंड सोप्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब में यूज़ होता है ना। तो बस यही है एंटी माइक्रोबियल केमिकल ट्राइक्लोसिन, एक ऐसा केमिकल है जो शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, बस आपको ये याद रखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं और COVID-19 डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। तो COVID-19 में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, पहला है एंटीसेरा। एंटीसेरा क्या है, ये बेसिकली किसने डेवलप किया, सबसे पहले ये देख लेते हैं, बायोलॉजिकल ई ने ICMR से कोलैबोरेट करके एक एंटीसेरा बनाया है जो किसके लिए यूज़ होगा, COVID-19 की ट्रीटमेंट के लिए। ये बेसिकली एक ब्लड सैंपल टाइप है, ब्लड सेरा टाइप है, जो क्या करेगा, जिसमें एंटीबॉडीज़ होंगी, है ना, पर्टिकुलर जैसे करोना वायरस की एंटीबॉडीज़ हैं, है ना। तो ये सिमिलर है जैसे प्लाज्मा, हमने थ्योरी पढ़ी ना, प्लाज्मा थ्योरी में भी यही था, हम क्या कर रहे थे, उसके ब्लड से प्लाज्मा ले रहे थे जिसमें एंटीबॉडीज थी उसको इंजेक्ट कर रहे थे। अब इसमें भी इन्होंने एंटीसेरा में यही कर रहे हैं, इसमें ब्लड सेरा है ना, जिसमें अब इसमें डिफरेंस मैं बताऊँगा क्या है, ब्लड सेरा है जिसमें बेसिकली एंटीबॉडीज़ होंगी, है ना, दे वर्क सिमिलर टू प्लाज्मा थेरेपी, बट हेयर प्लाज्मा इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हॉर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे जो प्लाज्मा था वो ह्यूमन से आ रहा था, जो रिकवर्ड पेशेंट थे वहाँ से आ रहा था, इसमें क्या ये एंटी सेरम में कहाँ से आ रहा है, इसमें घोड़ों से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हॉर्सेस से आ रहा है दैट हैव रिकवर्ड फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन, तो जो घोड़े वायरल इन्फेक्शन से रिकवर कर गए वहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, तो वो है एंटी सेरम। तो आपको याद रखना है कि एंटी सेरम और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या है, कि प्लाज्मा
रिकवर्ड ह्यूमन पेशेंट से आ रहा है, एंटी से आ रहा है, हॉर्सेस से आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और आरोग्य पथ की बात करते हैं। आरोग्य पथ क्या है? बेसिकली CSIR का नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है। इसमें क्या होगा, सारा रियल टाइम अवेलेबल डेटा होगा, जो आरोग्य सेतु ऐप जो वगैरह से आ रहा है ना, वो सारा इसमें आएगा। हेल्थ केयर सप्लाईज होंगी, हेल्थ केयर सप्लाईज का रियल टाइम डेटा होगा। बेसिकली ये एक नेशनल हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की तरह इसको ये डेवलप कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कोविड कवच एलिसा के बारे में बात करते हैं। तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये क्या मेजर करता है? ये बेसिकली ब्लड में एंटीबॉडीज़ को मेजर करता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो एलिसा है वो क्या मेजर करता है? ब्लड में एंटीबॉडीज़ को मेजर करता है। तो इंडिया का पहला डिटेक्शन किट बना है जिसका नाम है कोविड कवच एलिसा, ठीक है। ताकि ये बनाया किसने है? पहली बात तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो इसने इसको बनाया है। टेस्ट में क्या होगा, एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करेंगे, तो जिनमें भी एंटीबॉडीज़ हमको मिल जाएंगी उसमें हमको पता चल जाएगा कि भाई इसको वायरस था, है ना। उसके बाद कोवी रैप आया। कोवी रैप बेसिकली कोविड 19 का डायग्नोस्टिक मशीन है जो IIT खड़गपुर ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट कार्ड की बात करते हैं। प्रोजेक्ट कार्ड क्या है? कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स। पहले आपको याद रखना है फुल फॉर्म, कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स। दूसरी बात क्या याद रखनी, कि किसने डेवलप किया है? लॉन्च किसने किया है? नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर लॉन्च किया, ताकि जो करोना वायरस से रिलेटेड टेस्टिंग किट्स हैं, है ना, वो मतलब उस वो बढ़ा सके, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो पाए, है ना, ताकि कि इंडिया की जो कैपेसिटी है करोना वायरस टेस्टिंग किट की, उसको हम स्केल अप कर पाए, है ना। तो आपको याद क्या रखना है, प्रोजेक्ट कार्ड किससे रिलेटेड है? करोना वायरस की टेस्टिंग किट को बढ़ाने से रिलेटेड है। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, ठीक है, जो आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट कार्ड में जो कंपनीज़ हैं उनको एंटीबॉडी की जो भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस पे काम कर रही हैं, जो करोना वायरस टेस्टिंग किट पे काम कर रही हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा। जो रॉ मटेरियल्स की प्रोक्योरमेंट होती है, अवेलेबिलिटी होती है, या फिर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, ताकि वो अच्छे से जो किट्स हैं उसको मैन्युफैक्चर कर पाए। समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद हम बात करते हैं कोबा 600 टेस्टिंग मशीन की। क्या है ये कोबा 600 टेस्टिंग मशीन? ये बेसिकली फुली ऑटोमेटेड हाई एंड मशीन है जो RT-PCR कैरी करती है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि क्या कैरी करती है, RT-PCR होता है इसमें, उसकी मशीन है। ईकोव सेंस क्या है? ये सेंसर है एक जो कोविड 19 को डिटेक्ट करेगा। तो ये बेसिकली किसने डेवलप किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। क्या है ये? एक बायो सेंसर है। किसने डेवलप किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने, ठीक है। दैट कैन डिटेक्ट द नोवल करोना वायरस इन सलाइवा सैम्पल्स। तो बेसिकली ये बेसिकली जो आपके सलाइवा सैम्पल्स हैं उसमें करोना वायरस को मतलब डिटेक्ट कर लेगा, है ना। उसके बाद अतुल्या की बात करते हैं। अतुल्या क्या है? अतुल्या एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है। ये बेसिकली क्या करेगा, मान लो आपकी शर्ट में करोना वायरस है तो आप इस स्टेरिलाइजर में डाल दो तो वो स्टेरिलाइज हो जाएगी, मतलब वो वायरस को किल कर देगा। किसने बनाया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने बनाया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर DRDO, ठीक है, टू डिसइंटीग्रेट कोविड 19 वायरस। तो कोविड 19 वायरस को किल करने के लिए इन्होंने अतुल्या बनाया। आपको याद रखना है कि अतुल्या क्या है? माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं RT-LAMP की। अब ये RT-LAMP क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन। तो देखो एम्पलीफिकेशन किस चीज़ का होगा? आप जो करोना वायरस है, मान लो आपके पास आपका कोई सैंपल है जिसमें करोना वायरस है ना, तो उसको एम्पलीफाई किया जाता है ताकि दिखे ना कि वो वायरस है। तो एक तो एम्पलीफिकेशन हो गया, आइसोथर्मल मतलब सेम एक सिंगल टेम्परेचर पर होगा, है ना। तो एक सिंगल टेम्परेचर पर बेसिकली ये टेक्निक है जिसमें हम करोना वायरस को डिटेक्ट करते हैं, है ना। तो इसमें वन स्टेप न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन होता है और मल्टीपल टू मल्टीप्लाई द सीक्वेंसेज ऑफ RNA ऑफ द करोना वायरसेस। तो मल्टीप्लाई करके RNA के जो करोना वायरस का RNA होता है उसको मल्टीप्लाई करके उसको एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है RT-PCR से, कि RT-PCR को देखो एक साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर से ट्रीट करना पड़ता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं तभी करेक्ट रिजल्ट आता है। जबकि RT-LAMP क्या है? RT-LAMP तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, सिंगल टेम्परेचर, तो 65 डिग्री सेल्सियस पे ही इसके DNA एम्पलीफाई हो जाता है ना। तो ये DNA का एम्पलीफिकेशन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हो जाता है, और जो RT-PCR है उसको डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होते हैं, तो ये डिफरेंस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और टाटा MDCheck के बारे में बात करते हैं। तो टाटा MDCheck क्या है? ये बेसिकली लो कॉस्ट पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप है जो कोविड 19 को डिटेक्ट करेगी, है ना। तो इट इज़ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट वायरल डायग्नोस्टिक किट ऑन CRISPR-Cas9 प्लेटफॉर्म, बेस्ड ऑन फ्लोरिडा CRISPR-Cas9 प्लेटफॉर्म। अभी CRISPR-Cas9 क्या है? ये एक जीन एडिटिंग टूल है, ठीक है, इससे जीन एडिटिंग होती है, तो ये आपको याद रखना है। टाटा MDCheck क्या है? लो कॉस्ट पेपर बेस्ड टेस्ट सिस्टम है कोविड 19 को डिटेक्ट करने के लिए, एक पेपर बेस्ड लो कॉस्ट सिस्टम डेवलप किया है, वो है टाटा MDCheck, ठीक है। समझ में आ गया? चलो।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।